नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि रीड लेवल 2 से संबंधित बड़ी खबर आ रही है। कमलेश मीणा अब डबल बेंच में, आज की याचिका दायर। जी हां दोस्तों, कमलेश मीणा जो रीड लेवल 2 में परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पहले सिंगल बेंच में केस लड़ रहा था, लेकिन सिंगल बेंच में केस हार गया था, लेकिन अब वो डबल बेंच में चला गया है। तो परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कमलेश मीणा अब डबल बेंच में चला गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, कमलेश मीणा पिटिशनर, रेस्पोंडेंट है स्टेट ऑफ राजस्थान, पिटिशनर एडवोकेट यानी कमलेश मीणा का एडवोकेट है SN कुमावत और फील्ड ऑन 2018-8-27 यानी आज की तारीख में उसने केस फील्ड कर दिया डबल बेंच में। और उसकी ओर से वकील है SN कुमावत, जो पहले उसका वकील था वही कुमावत है। और आप देख सकते हैं रेस्पोंडेंट एडवोकेट यानी अभी सरकार ने इसकी ओर से एडवोकेट किया नहीं है, लेकिन एक दो दिन में सरकार भी अपना वकील उतार देगी। लेकिन दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कमलेश मीणा कभी भी नहीं जीत सकता दोस्तों, क्योंकि कमलेश मीणा के पास कोई सबूत नहीं है कि पेपर आउट हुआ था। और जो पाली की SSO की रिपोर्ट आई थी उसमें भी पाली ने स्पष्ट कर दिया था कि पेपर कहीं भी आउट नहीं हुआ है। तो कमलेश मीणा चाहे डबल बेंच में जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील हायर करके इस याचिका को एक दिन में मतलब खारिज करवा देगी दोस्तों। लेकिन कमलेश मीणा रहने वाला नहीं है, उसने एक बार फिर बेरोजगारों को मतलब आड़ा बनते हुए वो डबल बेंच में चला गया दोस्तों। तो बेरोजगारों के लिए बुरी खबर है, लेकिन दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, कमलेश मीणा की याचिका जल्दी खारिज होगी। तो कमलेश मीणा ने एक बार फिर रोड़ा अटका दिया दोस्तों, लेकिन जल्दी इसकी याचिका पहली सुनवाई में ही खारिज होने वाली है।